योगीपुर रोड में आम आदमी पार्टी का कार्यालय का हुआ शुभारंभ। हम आपको बता दें कि शनिवार को हिलसा शहर के योगीपुर रोड में आम आदमी पार्टी का कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। हालांकि इस दौरान जोनल प्रभारी उमा दफूर, बिहार राज्य पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार, नालंदा जिला प्रभारी शिव सत्य प्रकाश, नालंदा जिला सह प्रभारी आशीष कुमार, पटना जिला प्रभारी ब्रज CYSS, बिहार प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु कुमार, हिलसा विधानसभा प्रभारी सुरमणि प्रकाश उर्फ सूर कुमार क्रांति, थरथरी प्रखंड अध्यक्ष बंटी कुमार, फैजल अंसारी, दिलीप कुमार सिन्हा, अभय प्रताप, रेखा देवी, बेबी देवी, ब्रज किशोर पाठक समेत कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि हिलसा में आम आदमी पार्टी का कार्यालय खुल जाने से अब लोग लगातार सदस्यता अभियान लेंगे। उसी को लेकर शनिवार को हिलसा के योगीपुर रोड में आम आदमी पार्टी का कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। हिलसा विधानसभा में आम आदमी पार्टी का कार्यालय पहली बार खुल रहा है। इस कार्यालय खोलने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि यहाँ हम संगठन विस्तार उसके माध्यम से कर सकें, और ये संगठन विस्तार का कार्यक्रम हमारे पूरे बिहार में आम आदमी पार्टी का संगठन विस्तार हर जिलों में, हर प्रखंडों में, हर विधानसभाओं में, पंचायत स्तर तक हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें लोग इतने जुड़ रहे हैं कि लगता है कि एक बाढ़ सी आ गई है आम आदमी पार्टी की, और लोग एकदम अभी भी इसका क्या कारण मैम कि आप कह रहे हैं बाढ़ सी आ रही है, सदस्यता लोग ग्रहण कर रहे हैं, क्या दिल्ली के तर्ज पर बिहार को भी लोग देखना चाहते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, चूंकि आप एक पत्रकार हैं तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि दिल्ली मॉडल किस तरह से काम कर रहा है। आज उसने जो शिक्षा में कर दिखाया है, जिसकी चर्चा देश और विदेशों में हो रही है, उसी तरह से स्वास्थ्य में भी जो उसने काम किया है, उसमें हर तरह की सुविधा मुफ्त दी जा रही है। यहाँ केजरीवाल अब आने वाले हर चुनाव में आम आदमी पार्टी की भागीदारी देखना चाहते हैं। हम पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए हर जिला के अंदर अब नए सिरे से नए लोग ऊर्जा, जो पटना खास करके जो पंजाब चुनाव है, पंजाब चुनाव के बाद एक होड़ सी आ गई है। आपने देखा होगा कि पंजाब में 3 महीने के अंदर 300 बिजली यूनिट, 25,000 लोगों की नौकरियां, तो इससे एक पूरे देश के अंदर एक मैसेज। और विगत 24-25 में हम चुनाव लड़ने जाएंगे, तो उससे पहले हर विधानसभा के अंदर इसी प्रकार से हमारा कार्यालय खुल रहा है। और अब जो कार्य है, ये कार्य की रिपोर्टिंग डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल खुद अपनी टीम के द्वारा ले रहे हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार सिन्हा, आम आदमी पार्टी का मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ। आज बहुत से गर्व से कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का शुभारंभ कार्यालय हिलसा में हो गया है। जन सैलाब आ गया है, नालंदा की सत्ता को बदलना है। नालंदा में 7 विधानसभा क्षेत्र है, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी 7 विधानसभा क्षेत्र में आगामी आने वाले इलेक्शन 2024-25 में लड़ेगी और पुरजोर के साथ लड़ेगी। और यहाँ के हमें मजदूरों का, छात्रों का, हर वर्ग के लोगों का साथ मिल रहा है, और आज सैकड़ों की संख्या में सदस्यता ली गई है और 7 विधानसभा क्षेत्र में ये चुनाव लड़ेगी। और अभी जो लोकल निजी चुनाव होना है, ये नगर परिषद का चेयरमैन का भी, उसका भी चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी। मैं साथ ही पुनः एक बार बहुत ही विनम्र शब्दों में कहता हूँ कि जो लोग अब तक आम आदमी पार्टी का सदस्यता नहीं लिए हैं, कार्यालय खुल चुका है, आप आकर के सदस्यता ग्रहण करें और आम आदमी पार्टी के हाथों को मजबूत करें, ताकि बिहार पंजाब की तर्ज पर सब लोगों को बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सब फ्री मिल सके और उनकी सरकार देख रेख कर सके। इतना कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी का जिला प्रभारी है सर, आप क्या कहेंगे? मेरा जिला प्रभारी आम आदमी पार्टी नालंदा होने के नाते मेरा एक ही दायित्व है, संगठन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मजबूत करेंगे, और जितना जल्दी से जल्दी मेरा टारगेट है 2 महीने के अंदर लगभग 4-5 विधानसभाओं में अपने संगठन को और मजबूत करके ऑफिस को उद्घाटन कर दूँ।